इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए अहल नहीं, वो एक मुतनाज़े शख्सियत हैं। वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। जिस शख्स को पाकिस्तान में सज़ा हो चुकी, वो किस तरह इलेक्शन लड़ सकता है? मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग यूके के मीडिया एडवाइज़र राशिद अदील हाशमी और खुर्रम बट ने दुनिया न्यूज़ में बातचीत के दौरान किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, उसके लिए आज का दुनिया न्यूज़ फोरम देखिए। बानी पीटीआई इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन इस वक्त एक बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और कुछ कंट्रोवर्सी का शिकार भी है। दो लंदन से नौजवान जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पिटीशन दायर की कि वो इसके अहल नहीं है और उसके खिलाफ जो है पिटीशन जमा करवाई, आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। कुरम साहब और राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि बड़ी एक कंफ्यूजन चल रही है कि ये शायद मियाद साहब की तरफ से आपको डिक्टेशन आई या मरियम बीबी की तरफ से आई या नून लीग सेक्रेटेरिएट की तरफ से आई, तो आज आप ये जरा हमें सबसे पहले बताएं कि ये आइडिया किसका था और किसकी तरफ से आपको कमांड किया गया कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके जो है पिटीशन दायर करें। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये प्योरली जो है ये मेरी पिटीशन है। इसमें पार्टी की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, पार्टी का कोई किसी किस्म का रोल नहीं है। और राशिद आजमी साहब मेरे दोस्त, इसमें मेरे इस काम में मेरे साथ शाना भी शाना है, तो ये प्योरली मेरा अपना डिसीजन था जी। तो आपने ये नहीं सोचा कि शायद पार्टी की तरफ से इसमें कोई बैकलैश आए या कोई बैकलैश आया या अप्रिसिएशन आई, अभी तक कोई पार्टी ने इस पर आपको फीडबैक दिया? देखिए, मैं पास्ट में भी आपने देखा होगा कुछ मैटर्स थे जो मैं समझता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं फिर इनिशिएट करता हूँ। देखें, पार्टी में इस मामले में मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी को कोई ज़रूरत है कि ये एज ए इंडिविजुअल मैंने ये पिटीशन की है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब जो है, मैंने बताया कई बार कि मैं नहीं समझता और मैं दिल से बता रहा हूँ कि खान साहब बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत है, वो किसी तरह भी सीट के लिए वो अहल नहीं है। तो ये प्योरली अगेन ये मेरा अपना डिसीजन है जी। राही साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी क्योंकि प्रेम साहब के उस वक्त साथ थे, आप जो है मीडिया सेक्रेटरी भी हैं नून लीग के यहाँ पर, तो क्या इसके पीछे थीम क्या थी आप लोगों के माइंड में कि आप उधर जा रहे थे? और दूसरा, आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज़्यादा जो है इसको लाइमलाइट मिलेगा और ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगी और हर बंदा जो है आप लोगों के बारे में और इस टॉपिक के ऊपर बात करता नजर आएगा? जी शुक्रिया आसिफ साहब, पहले तो आपने हमें यहाँ पे अपने ऑफिस में मधु किया। और गोइंग बैक टू व्हाट यू एक्चुअली आस्क योर फर्स्ट क्वेश्चन के पार्टी की इंस्ट्रक्शंस थी, देखिए हम दोनों तो चलें कुछ ऐसे फेसेस हैं कि जो हम लोग हमारे जो पार्टी कायदीन के साथ नज़र आते हैं। ये हमने टोटली जो है वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में ये काम किया था, बट साहब का ये एक आइडिया था। और मैं को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ जो उन्होंने, हम लोग ये नहीं कि एक दिन सुबह उठे थे और हमने कहा कि चलो जी गाड़ी पकड़ें ऑक्सफोर्ड को चलें, इस तरह नहीं है। इन्होंने वहाँ पे उनके साथ को डेढ़ दो हफ्ते की कॉरेस्पॉन्डेंस है। पहले तो जब उन्हें ईमेल्स करते थे एक ऑटोमेटिक सा रिप्लाई आ जाता था, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उनके बंदों को एंगेज किया व्हाट्सएप ने, और जो अपने जो इमरान खान की करप्शन का जो पुलंदा है वो तैयार किया। और उसके बाद जो है वो जब हम वहाँ पे लेके गए हैं, हमें तो चले आप कहते हैं कि कोई बंदे कहता है कि जी पार्टी ने भेज दिया, तो जो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ईमेल्स गई हैं जो कि मुहब वतन पाकिस्तानियों ने भेजी हैं, तो वो भी क्या पार्टी ने भेजी थी? उसके बाद यहाँ पे जो मीटिंग्स होती हैं, जो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का माजी क्या है, वो लोग किन किन बैकग्राउंड से हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मतलब एक बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि एक पूरा बैगेज है इमरान खान का करप्शन के हवाले से, तो उसके हवाले से भी हम लोग इंशाल्लाह आपको इसी प्रोग्राम में बताते हैं जी। अच्छा, आपने बात की कि लॉबिंग कौन कौन लोग करते हैं, तो पहली दफ़ा नून लीग की तरफ से ना ऐसे कोई रिटेलिएशन सामने आई है? इससे पहले जब मियां साहब थे तो पीटीआई वालों ने आके बार हंगामे भी किए, फिजिकली हरासमेंट भी की, वर्बल हरासमेंट भी की, लेकिन आप लोगों ने उस तरह रिटेलिएशन कभी शो नहीं की। इस दफ़ा आप लोगों ने एक मौजम तरीके से जाके जो है उनको अपना मौकफ पेश किया, तो इसके ऊपर पीटीआई की तरफ से आपको कोई रिटेलिएशन अब दोबारा देखने में या कोई किसी किस्म का अब्यूज़ या सोशल मीडिया पर कोई इस किस्म का आपको वावेला देखने में नजर आया? देखें जी, पहली दफ़ा नहीं हुआ, ठीक है, खुर्रम बट साहब की एक हिस्ट्री है जी, मतलब वो इसके ऊपर ये खुद रोशन डालेंगे कि उन्होंने किन किन मौकों पर क्या क्या काम लगाए हुए हैं। खुर्रम बट साहब, आपकी उन्होंने कहा कि एक बैगेज है, एक हिस्ट्री है, जब से ये वाला वाकया हुआ है तो तब से जारी बात है नून लीग वाले भी जो है एक्टिव हो गया। एक जमाना था कहा जाता था कि पीटीआई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अब मेरे ख्याल आप लोग भी मुकाबला ठीक ठाक कर लेते हैं। आपकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, ये वीडियो मुझे बताएं रिसेंट है या ये पुरानी है? कौन से वाले जी? किसी से फिजिकली आपकी लड़ाई करते हैं? नहीं, ये पुरानी है, जो हाशिम साहब ने बताया ना, रिटेलिएशन हमने शुरू से की है। अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर एक नौजवान है, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, वो अक्सर जो है मियां साहब के घर के बाहर, ऑफिस के बाहर आकर तंग करता था,
तो उसको मैंने टैकल किया, वो कॉलेज से, जिस कॉलेज में वो पढ़ता था उसको उस कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया। फिर आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट्स होते थे मियाँ साहब के घर के बाहर, वो उसको मैं ब्रिटिश इधर पार्लियामेंट में लेकर गया हूँ, और वो एमपीज ने वो टॉपिक जो था वो उन्होंने इसको पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा इस पर हम बहस करेंगे और इस एरिया को जो है हम नो प्रोटेस्ट जोन डिक्लेयर के लिए हम कोशिश करेंगे, जो कि वो काम जारी था। इसी दौरान मियाँ साहब जो है वो फिर पाकिस्तान चले गए, वो आगे हमें उसको पाया तकमील तक नहीं लेके जा सके क्योंकि मियाँ साहब यहाँ पे हैं नहीं, तो ज़रूरत नहीं पेश आई। तो ऐसे बहुत से मराहल हैं जो हमने किए हैं एज ए इंडिविजुअल कह लें, एज ए दोस्त मेरे साथ थे, जो हमने मुख्तलिफ मराहिल में जो अच्छा, मैं आपकी बातों से ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि एक माजरत के साथ एक तासुर ये दिया जाता है कि शायद नू लीग वाले उतने ज्यादा वेल कैलकुलेटेड नहीं है और हिसाब किताब लगा के काम नहीं करते। तो आपने ये जो पिटिशन लेके गए, राजीव साहब ने बताया कि इसके पीछे भी काम था, आपने पहले उनसे कॉरेस्पॉन्डेंसेस की, एक तो ये हो गया। आपने इसके बाद की कैलकुलेशंस की हैं, वोटों का हिसाब किताब लगाया है, तो आपकी राय क्या है कि कितने वोट अगर अगर खान साहब जो है इलेक्शन में चले भी जाते हैं तो फिर क्या हिसाब किताब होगा? देखें, ये पिटीशन जो है इसमें सॉलिसिटर्स की खिदमात ली गई हैं, इसके पीछे 3 वीक का जो है वर्क है। जब से खान साहब की नॉमिनेशन फाइल हुई है उसी दिन से इस पर काम मैंने शुरू कर दिया था, सॉलिसिटर्स के खिदमात ली गई थी, ईमेल्स तो हमने उसी दौरान शुरू कर दी थी, हमारे दोस्तों ने शुरू कर दी, हमने भेजनी शुरू कर दी। लेकिन इससे अगला जो स्टेप था उनको एंगेज करना, क्योंकि जब आप ईमेल भेजते थे आगे से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता था, दैट्स इट, दैट्स फाइन। तो मैंने फिर जो है वाइस चांसलर के ऑफिस को इंगेज किया, इसमें उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की कि मैं आपके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास प्रूफ्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप देखें बताएं कि ये बंदा कैसे जो है इस सीट के लिए हल हो सकता है। तो वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस वो उनके साथ जाके वो फिर एक डोजियर बनाना, वो डोजियर को ड्रॉप करना, तो ये सारा 3 से 4 वीक का काम था जो हमने किया है। ऐसे नहीं हम उठे हैं और चले गए हैं। मैं वोटर्स का बता देता हूँ, ये जो टोटल वोटर्स हैं वो 2.5 लाख हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये 2.5 लाख वोटर्स वो हैं इनमें से अगर किसी ने रजिस्टर्ड करवाया है वोट के लिए तो वही वोट डाल सकेंगे। अब वो रजिस्टर्ड करवाने की जो डेट है वो भी क्लोज हो चुकी है इनमें, लट से अब ये किसी के पास भी डाटा नहीं है कितने लोगों ने, कितने वोटर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है, ये 2.5 लाख से कम ही होंगे। और दूसरा जो आपका सॉरी आपने पूछा है कि ये आपने कैलकुलेटेड किया है इसके बाद ही क्या मराहल हो सकते हैं, तो वो देखें मैं आपके चैनल पे ये खबर आज दे दूं, खान साहब नहल होने जा रहे हैं, खान साहब इस सीट के लिए किसी तरह भी जो है ना वो मौजूद नहीं और वो नहल होंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं नहीं इजाज़त है? दी जाएगी। दो दो बड़ी बुनियादी रीजंस मैं आपको बता देता हूँ, दो बड़ी बुनियादी रीजंस बता देता हूँ। एक तो रीज़न है फिनांस की, वो मैंने क्लॉज कई मरतबा पहले भी मैं बता चुका हूँ, बड़ी एक बेसिक सी क्लॉज है कि दी चांसलर मस्ट नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय बींग अ चैरिटी ट्रस्टी। तो हाँ साहब इस हिसाब से देखें ये बड़ा छोटा सा एक माइनर सा उन्होंने कहा जी कि जो जो चैरिटी ट्रस्टी है उसका भी वो डिसक्वालीफाई ना हो चांसलर। तो हाँ साहब के ऊपर तो करप्शन साबित शुदा है, कोई कोई इल्जाम नहीं है, साबित शुदा है करप्शन। उन्होंने काउंटी के जो पैसे इवेंट इधर हुआ उसको वोटन पॉलिटिक्स में लगाया, और करके उसके बाद इन्होंने ये जो तोशाखाना है, तोशाखाना का डिक्लेयर्ड है, उसके बाद अलकादिर आ रहा है, अलकादिर में भी आप देख लेंगे जल्दी ये फैसला होने वाला है। तो खान साहब के साथ तो प्रूवन जो है वो करप्शन के केसेस हैं। और दूसरा जो है क्लॉज जो है, देखें जो चांसलर होता है ना उसने पूरा साल अवेलेबल होना होता है, यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं, फंड रेजिंग्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की रिप्यूट जो है उसके मतलब इवेंट्स होते हैं, दुनिया में जाके करने होते हैं, तो चांसलर को सारा साल अवेलेबल होना पड़ता है। खान साहब तो 14 साल के लिए अंदर है और आगे पता नहीं कितने साल की उन्हें प्रिजन हो रही है, तो ये दूसरी क्लास भी हिट करती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो उनकी क्लॉजेज हैं, अभी मैं मोरालिटी पे तो जा नहीं रहा, अभी तो मैं आपको ये कह नहीं रहा हाँ साहब ने जो है वो वुमेन्स के बारे में क्या उनके तासरात हैं, उनके तालिबान के बारे में क्या तासरात हैं, उसामा बिन लादन का उनको शहीद कहना, मैं उस पर तो जा नहीं रहा, वो सारा बैगेज है इसके पीछे। हाँ साहब, हाँ साहब वो देखेंगे। और दूसरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, वो कैसे चाहेंगे एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत हमारे दायरे में आए, वो किसी सूरत नहीं ये चाहेंगे। आपको ऑफिशियली कोई फीडबैक उनकी तरफ से अभी तक कंफर्मेशन या डिनायल कुछ आया? देखें वो एक प्रोसेस है, इलेक्शन कमेटी वो फीडबैक आपको नहीं देंगे, एक इलेक्शन कमेटी है जिसने डिसाइड करना है ये सारा, सारे जो और भी कितने जो हैं वो तो कैंडिडेट्स इसका हैं। नतीजा तब भी मिलेगा जब 28 अक्टूबर को लिस्ट लगेगी। नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को ये लिस्ट लग जाएगी, किसी डेट में भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वो लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि एलिजिबल, जो कि जो पास कर चुके हैं ये क्राइटेरिया, उनकी लिस्ट आप देख लेंगे, उनके उन नाम लिस्ट में देखा इमरान खान नहीं होंगे। आपने कि इस दफा लीगी नौजवान जो है ये बड़े ताबड़तोड़ जो है हमले कर रहे हैं और बड़े पुरमीद भी नजर आते हैं कि जो पिटिशन इन्होंने दायर की बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, इनका ये कहना है कि इमरान खान को जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी, और अगर किसी तरह इजाजत दी भी जाती है तो ये उसके बाद फर्दर जो है
जाने को भी तैयार है और लीगल टीम जो है वो भी ऑन बोर्ड है। इसका हकीकी फैसला जो है वो तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही होगा, जब लिस्ट जो है वो आवेजा की जाएगी। जी।